अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अदनान खान। आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। आज की इस वीडियो में आपको 20 व्हाट्सएप के फीचर्स के बारे में मैंने बताया है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और जानिएगा कैसे हम अपनी बिजनेस प्रोफाइल को व्हाट्सएप की सेट कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को व्हाट्सएप के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप के थ्रू एड्स लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं व्हाट्सएप के 20 ऐसे कौन से फीचर्स। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम जानने वाले हैं व्हाट्सएप के लेटेस्ट 20 फीचर्स के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और आप सेल्स एंड परचेज का काम कर सकते हैं। कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की एड्स लगाएंगे, कैसे आप अपने व्हाट्सएप फीचर्स के बेनिफिट हासिल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे व्हाट्सएप के लेटेस्ट तमाम ऑल फीचर्स के बारे में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, आपके लिए हम टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलते हैं वीडियोस की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं अपने व्हाट्सएप के फीचर्स को। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप और स्टार्टिंग के ऊपर हमारे पास आ रहा है कैटलॉग्स का ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो आपके सामने एक लोगो आ रहा है इसको बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है बिज़नेस प्रोफाइल। अगर हम बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें, और अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टार्टिंग के ऊपर मैं ईच एंड एवरीथिंग इसमें कवर करने वाला हूं, ठीक है। व्हाट्सएप की तमाम जितनी भी लेटेस्ट फीचर्स हैं इसमें कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के ऊपर हमारे पास आ रहा है बिज़नेस प्रोफाइल, उसके बाद हम देखेंगे कैटलॉग्स को कि शो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को शो करवाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट प्रोसीजर्स क्या होगा, ठीक है। हम कैसे रीच करेंगे अपने मोर कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है, और उनके सामने अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करवाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स की एड्स लगाएंगे, कैसे उसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं मैसेज प्रोसीजर, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद अवे मैसेज क्या होते हैं, क्विक रिप्लाइज क्या होते हैं, ईच एंड एवरी थिंग आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दैन उसके बाद हम चैट्स में जाएंगे, उसके बाद ऊपर ये जो हमारी क्लैप्स ऑप्शन हैं एडवर्टाइज शॉर्ट लिंक्स एंड सेटिंग्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब वो देखिएगा एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, बिजनेस टूल्स आ जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। न्यू ग्रुप से कैसे बनते हैं, न्यू ग्रुप की रेंज कितनी है, न्यू ग्रुप के अंदर कितने फीचर्स हमें मिल रहे हैं 2023 में, न्यू ब्रॉडकास्ट कैसे क्रिएट करनी है, न्यू ब्रॉडकास्ट के क्या फीचर्स हैं, लेबल्स क्या हैं, लिंक डिवाइसेस क्या हैं, स्टार्स मैसेज में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो कौन से मिलेंगे, सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे शो हो रहा है। अवतार आया है, लेटेस्ट फीचर है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे। आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन प्रोफेशनली आप अवतार कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी चंद सेकेंड में। उसके बाद चैट्स के रिलेटेड कुछ ऑप्शन हैं वो हम देखेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम जो एडवांस लेवल की व्हाट्सएप प्रोफाइल्स हैं उसको हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में हम चलते हैं यहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट उसका नेम आता है, ठीक है। आप अपना नेम लिख सकते हैं या अपने अगर आपकी शॉप है तो आप अपनी शॉप का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं कैटेगरी, कैटेगरी आपके बिजनेस की कौन सी, ऑटोमोटिव का है, अपैरल एंड क्लोथिंग का, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट है, ब्यूटी कॉस्मेटिक है, पर्सनल केयर के रिलेटेड है। मैं एजुकेशन के ऊपर सेलेक्ट करके इसको सेव एज करवाता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सेव्ड है एजुकेशन के ऊपर, चेक कर सकता हूँ, ये मैं एजुकेशन के ऊपर करके इसको सेव करवा देगा। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन नीचे लोकेशन का, लोकेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कराची से हैं या आप इस्लामाबाद से हैं, मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लेके मैंने किया इसको सर्च, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ और पॉइंट करता हूँ तो ये मेरे पास इस्लामाबाद आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एजुकेटर का हमारे पास आ रहा है, सॉरी मैंने इसको ट्रैक कर लिया अपनी लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इस्लामाबाद, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, इसको डाल करता हूँ दोबारा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड था इस्लामाबाद के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, ठीक है, सेट लोकेशन ऑन मैप, ठीक है। इसको हम अपडेट करते हैं। अब देखिए इसने इस्लामाबाद को ट्रैक कर लिया, इस्लामाबाद में जो भी आपकी है शॉप की लोकेशन वो आप यहाँ से
फाइंड आउट करके आप उसको करवा सकते हैं सेव। दैन उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, आपकी लोकेशन जो है वो सेव हो जाएगी। फिर जो आपका कस्टमर होगा, जैसे वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करेगा, उसके सामने आपकी लोकेशन आएगी। उसके बाद प्रोसीजर आता है हमारे पास शेड्यूल का। शेड्यूल में आप अपने डेज़ के हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल जो है वो लगा सकते हैं, उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं, देन उसको शो करवा सकते हैं अपने कस्टमर को। उसके बाद आता है हमारा ईमेल्स का। ईमेल में आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं, बिज़नेस ईमेल डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अनदर वेबसाइट्स ऑप्शंस भी हैं, अगर आपकी दो वेबसाइट चल रही हैं तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास कैटलॉग मैनेजर ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप अगर अपना कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। क्रिएट अ कैटलॉग, ऐड अ न्यू आइटम, अगर आप चाहते हैं कि कैटलॉग के रिलेटेड में तमाम सीरीज़ जो है बनाऊँ, दो या तीन वीडियोस में ये कैटलॉग का जो है वो कवर होगा, तो अगर आप कहते हैं तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो। आप कैटलॉग देख सकते हैं, कैसे आपने कैटलॉग के ऊपर मार्केटिंग करनी है, तो वो भी मैं इन एवरीथिंग आपको क्लियर कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप बता दें अगर आप इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं हम ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इसके ऊपर अपने फेसबुक का पेज भी ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आप जो है अकाउंट भी कनेक्टेड कर सकते हैं, और आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो आपके होंगे फॉलोअर्स वो आप यहाँ पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पे ऐड लगाएंगे, एडिंग प्रोसीजर भी आता है, ठीक है। जब आप फेसबुक का पेज यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको ऐड का ऑप्शन भी मिलेगा। आप एड्स लगाना चाहते हैं 300 में 400 में, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें और कैटलॉग, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बने तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है अबाउट फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर वो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये हमने कैटलॉग भी पढ़ लिया, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, अब देखें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रीच मोर कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट आपने कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, फ़ोटो फ्रॉम योर गैलरी, फ़ोटो फ्रॉम योर फ़ोन, ठीक है। आप अपने फ़ोन की चाहते हैं या अपनी गैलरी में से चाहते हैं, ठीक है, वो आपने टेक करने के लिए कैमरा, ठीक है। तो उसके बाद योर कैटलॉग आइटम, अगर आपकी कोई आइटम है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। योर स्टेटस, आपका शेयर स्टेटस के रिलेटेड, ठीक है। अगर आपके स्टेटस से यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है, अपने स्टेटस को आप जो है वो एडवर्टाइज़ करवा सकते हैं, ये वो बताना चाह रहे हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेजेस, वो कह रहे हैं कि अगर 14 दिन तक आपका आपकी कस्टमर के साथ रابطہ नहीं हुआ तो आप यहाँ पे एक मैसेज सेट कर सकते हैं जो कि 14 दिन के बाद आपकी कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेट कर देंगे, 14 दिन के बाद जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे उनको ऑटो मैसेज सारे सभी को चला जाएगा। अवे मैसेज हैं, ठीक है, इसमें आप जो भी आप मैसेज सेट करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो वो आपका जो मैसेज है वो डेटा अगर ऑन होगा तो आपका, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो जैसे ही उनका मैसेज आएगा तो ऑटो मैसेज आपके कस्टमर को चला जाएगा कि ये अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे अवेलेबल होते हैं तो आपसे रابطہ करते हैं, फिर आपका पार्सल या आप जो भी बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये ऑटो मैसेज होता है, ये भी आप सेव करवा सकते हैं। तो उसके बाद इसका शेड्यूल भी लगा सकते हैं, कस्टम शेड्यूल लगा सकते हैं, आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपने किन लोगों को ये मैसेज जो है वो शो करवाना है, ठीक है। इसको सेव एज करवा देंगे। क्विक रिप्लाइज हैं, क्विक रिप्लाइज में मैंने दो तीन चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई थी अपने रिलेटेड, तो यहाँ पे उसको ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ये करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ। अब देखें से है, ये मैंने स्लैश लिखी, वहाँ पे लिखने के बाद क्विक रिप्लाइज लिखने के बाद आप स्लैश लगाएंगे किसी की भी चैट में, और यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके जितना भी वहाँ पे जो आपने क्विक रिप्लाइज में लिखा होगा तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो मैसेज सामने वाले पर्सन को चला जाएगा आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायर हो, ठीक है। तो ये जो है वो ये सारा ईच एंड एवरीथिंग हमने आज इस वीडियो में कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ साथ में, अब देखें यहाँ पे एडवर्टाइज़ भी हमने कर लिया है, बिजनेस टूल्स हैं ये हमने ये भी चेक कर लिए, इसको भी कवर कर लिया है। न्यू ग्रुप है, न्यू ग्रुप आपने बनाना है। अब देखें पहले ग्रुप में हम ऐड कर सकते थे 512, अब हम आज उसके बाद इसकी एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा हुई, ठीक है। इसमें हम ऐड कर सकते थे 1024, अब इसमें हम 5000 के करीब जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में
हम ऐड कर सकते हैं अपने मेंबर्स को। उसके बाद न्यू ब्रॉडकास्ट वो आप बना सकते हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट में बहुत अच्छे उन्होंने फीचर्स दिए हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट में आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं। न्यू ब्रॉडकास्ट में आप किसी को ऐट द रेट के साथ आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्विक रिप्लाइज ऑटो आ भेज सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लेबलिंग प्रोसीजर आता है, ये भी आप देख लें। न्यू कस्टमर हैं तो आप उसका लेबल सेट कर सकते हैं। न्यू ऑर्डर, न्यू पेंडिंग पेमेंट, पेड ऑर्डर कंप्लीट, कस्टमर और डिस्पैच प्रोसीजर्स, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे, मैं इसको ही कर लेता हूँ। अगर आपने लेबलिंग करनी है, अब देखें आपके पास 1000 कस्टमर हैं तो आपने याद रखना है कि किसको पार्सल चला गया, किसको पार्सल नहीं गया। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऊपर, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर। अगर न्यू कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर इसका ब्लू आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। इससे आपको ये पता रहेगा, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने वो टिक मार्क होगा, ये न्यू कस्टमर है, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया तो ये होगा, जैसे ऑर्डर कंप्लीट हो आपको मैसेज आए सेल्समैन की तरफ से, तो आपने इसको इस जो सिंबल है उसके साथ आपने मेंशन कर देना है। आपने इसको कर देना ऑर्डर कंप्लीट ग्रीन के साथ, ठीक है। तो ये ग्रीन के साथ हो जा, अच्छा तो ये ग्रीन के साथ हो गया, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदे का ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक है। तो ये जो फीचर है लेबलिंग का, हम इस सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्पैच सेंस ऐसे करके ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आप इसको मोर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के ऊपर क्लिक करें, आप मज़ीद इसमें लेबल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लिंक डिवाइसेस, ठीक है। तो आप देखें, अगर आपने अपने व्हाट्सएप को लिंक करना है अपने वेबसाइट के साथ, वेबसाइट मींस कि आपने जाना है गूगल के ऊपर, जहाँ पे आपने लिखना है व्हाट्सएप वेब, वहाँ पे आप इसको लिंक डिवाइस करेंगे, आपके सामने ऐसी ऑप्शन आएगा, क्यूआर कोड आप सेलेक्ट करेंगे, आप अपने पीसी के साथ अपनी व्हाट्सएप की जो चैट है या व्हाट्सएप का जो भी कैटलॉग है वो आप वहाँ पे सीन कर सकते हैं, उसका लेआउट, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए गूगल क्रोम में कर लें, फायरफॉक्स में कर लें, व्हाट्सएप वेब लिखेंगे, वहाँ पे जाके क्यूआर कोड आप लगाएंगे तो आपका जो डिवाइस है वो लिंक्ड हो जाएगी आपके पीसी के साथ। स्टार मैसेजेस हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि टैब होल्ड ऑन एनी मैसेज इन एनी चैट टू स्टार इट सो यू कैन ईजिली फाइंड इट लेटर, ठीक है। अब इसका ये काम होता है स्टार मैसेज, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि स्टार मैसेज क्या होते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास चैट पड़ी है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ यार ये चैट मुझसे डल होगी तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके मैं स्टार मैसेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे स्टार यहाँ जहाँ पे टाइम होता है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके यहाँ पे मैं स्टार मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज आ गया, ठीक है। तो बाद में भी आप इसको सेव कर सकते हैं, अगर कोई आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई मैसेजेस हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो स्टार मैसेज हो गई, सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स आपने ऑलरेडी देखी हैं। अब तार की बात करें हम प्राइवेसी, प्राइवेसी में कुछ फीचर्स इसके न्यू आए हैं, जैसे कि लास्ट सीन को आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है नो बॉडी, अगर आप करेंगे तो लास्ट सीन को आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे हैं बुक एंड सीन व्हेन आई एम ऑनलाइन, ठीक है। सेम एज लास्ट सीन कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ से क्लिक करें सेम एज लास्ट सीन हो जाएगा। अगर आप माई व्हाट्सएप पर आएंगे तो माई व्हाट्सएप के रिलेटेड जितने सेम एज लास्ट सीन, तो माई व्हाट्सएप जितने आपको कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ही आपका जो है वो शो होगा, बाकियों को आपका शो नहीं होगा। नोबडी करेंगे तो आप लास्ट सीन ऑफ कर देंगे या फ्रीज कर देंगे। प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, ठीक है। प्रोफाइल में भी उन्होंने नो प्रोफाइल का ऑप्शन दिया है, माई एक्सपेक्टेड, ठीक है। लोगों को आपने प्रोफाइल अपनी जो है वो शो करवानी है, ठीक है। किन लोगों को आपने अपनी प्रोफाइल शो करवानी है, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्शन, ठीक है, जो भी आ रहा है और एवरीवन, ये सारा कुछ। उसके बाद है रीड रिसिप्ट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हैं कि अगर आप यहाँ पे करते हैं, अब देखें किसी ने भी हमको मैसेज भेजा, अगर हम इसको ऑफ करके उस मैसेज को रीड करते हैं तो उसको ब्लू टिक शो नहीं होगा, ठीक है। आई रिपीट अगेन, अगर कोई आपको मैसेज करता है तो आप इसको ऑफ करके अगर वो सीन करेंगे तो वो सीन नहीं होगा, उसका मैसेज ब्लूटूथ उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप तो जाते हैं स्टेटस के ऊपर तो वो भी उसको शो नहीं होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके रिलेटेड मज़ीद और लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप जो हैं व्हाट्सएप के रिलेटेड डिटेल्स के साथ एक सीरीज़ चाहते हैं तो मैं आपको सीरीज़ बना दूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए।